अगर पाकिस्तानी हो तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखे। 19 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप में होने वाला है। इस महामुकाबले को लेकर फैंस में तो उत्साह है ही, लेकिन साथ में खिलाड़ियों में भी इस मैच को लेकर उत्सुकता कम नहीं है। इस बीच पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि भारत के खिलाफ हर एक महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला गया था, जहां पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह हराते हुए खिताब पर कब्जा किया था। मीडिया से बात करते हुए सरफराज अहमद ने कहा, भारत के खिलाफ होने वाला हर एक मुकाबला अहम होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हुआ मुकाबला लगभग 1.5 साल पहले हुआ था, इसलिए उस मैच की बात नहीं की जा सकती। हम अगर फाइनल में भारत के खिलाफ खेलते हैं तो हम दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले होंगे। एक प्रोफेशनल टीम होने के नाते हमें आगे की तरफ देखना होता है और दोनों ही टीमों की नज़र इसी चीज़ पर होने वाली है। पाकिस्तान टीम की फॉर्म इस समय काफ़ी शानदार चल रही है और वो एशिया कप में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के साथ है और वो अपना पहला मैच 16 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ खेलने वाले हैं। पाकिस्तान टीम की तैयारी को लेकर सरफराज अहमद ने कहा, लय काफी जरूरी होती है। चैंपियंस ट्रॉफी के समय हमने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज की फॉर्म को आगे लेकर गए। हम अभी भी उसी को दोहराना चाहेंगे। हम हांगकांग के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में लय प्राप्त करते हुए भारत के खिलाफ उसे जारी रखना चाहेंगे। अगले साल होने वाले विश्व कप को देखते हुए एशिया कप टीमों की तैयारी के मद्देनजर काफी अहम होने वाला है और सभी टीमें यहां अच्छा प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। अदीबा स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें।